हेलो फ्रेंड्स, VSAT की क्लास में आपका स्वागत है। और आज ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का लास्ट टाइप 5 लेके आए हैं आपके लिए। ये कंप्लीट वीडियो है। इससे पहले कि आप लोग सारी वीडियोस देख लीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर आपका, एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये चार फॉर्मेट हैं क्वेश्चन के, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है अभी तक एग्जाम में जितनी भी बार पूछे गए हैं, तो सबकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सामने लिखा हुआ है। देखिए, टेन और कॉट के फॉर्म में है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√a(b). ये ए और बी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। और साइन और कॉसेक के टर्म में है तो अगर बी वाली वैल्यू छोटी है और ए वाली वैल्यू बड़ी है तो ये हो जाएगा √ab, और बी वाली वैल्यू बड़ी है तो a+b जोड़ के लिख देंगे। और इसी तरीके से इसमें भी है, कॉस और सेक के टर्म में भी, और सेक और कॉसेक के टर्म में क्या होता है, √a+√b का होल ऑफ स्क्वायर। ये इन सबकी मिनिमम वैल्यू, ये आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मेट हमें मिल गया है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा ए है 4 और बी है 5, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो पूछी है वो हम लोग ऐसे निकालेंगे, 2√ab, और 2 ए की जगह पे हो जाएगा 4 और बी की जगह पे 9, और ये आ जाएगा 49 2×2 और 3×3। इससे 2 बाहर आ जाएगा और इससे 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मेट होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए की जगह पर है 4 और बी की जगह पर है 9। तो हमें ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू के लिए इसमें जो है हमारा बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बी की जो वैल्यू है वो बड़ी है ए से, तो हमने मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस कंडीशन में क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा हमारा, 4+9 जो हो जाएगा 13। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। एक बार फिर से देखते हैं, ये हमने क्वेश्चन था, इसका ये फॉर्मेट है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो b की वैल्यू है 9, वो बड़ा है a से 4 से, तो इसका इस टाइप के टर्म में ये मिनिमम वैल्यू निकलती है a+b 4+3 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 sec स्क्वायर थीटा प्लस 49 cosec स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का आपको बताया था, √a+√b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, ए की जगह पर क्योंकि 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बी की जगह पर 49। ये आ जाएगा 5 और 7 का होल स्क्वायर होता है 12 का होल स्क्वायर, और 144 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है वो है, ए sec स्क्वायर थीटा प्लस बी cosec स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला, √a+√b का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह पर है 4 और बी की जगह पर है 9, तो लिखेंगे 4+9 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 और 9 का 3 स्क्वायर, 3 × 5 और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, और बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके लिए हम लोग लेके आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो भी सुधार आप चाहते हो वीडियो में प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।